watching N6 TV. It's Nishi Khan over here, and today I have a very special guest, the son of the legend, Mr. Junaid Jamshed. Taimur Junaid, welcome to our show, N6. And सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कनाडा आए, आपको कैसा लग रहा है? और माशाल्लाह, यू आर टेकिंग लेगेसी ऑफ लेट मिस्टर जुनैद जमशेद वेरी वेल. तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उस लेगेसी को लेकर? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं व्यूअर्स को अस्सलाम करना चाहता हूँ, एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा कनाडा जब भी आया हूँ तो ऐसा फील हुआ है कि यहाँ पे बहुत वार्म वेलकम होता है. एंड ये मैं कहूँगा ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिन्हें ओवर द ईयर्स मेरे फादर के साथ यहाँ पे उनका ताल्लुक बना, और वो इतने अरसे उन्होंने यहाँ पे काम करा. तो जब भी आता हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत वार्म वेलकम होता है. ये मेरे साथ कैप्टन शेख जावेद हैं, ये ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन के चेयरमैन जो मेरे फादर के साथ इन लोगों ने फाउंड की थी 2015. तो उसी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं. एज़ यू नो कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, जो नेचुरल डिज़ास्टर हो चुका है फ्लडिंग का, तो उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं कनाडा फ्लड रिलीफ्स के लिए, कि यहाँ पे हम फंड रेजिंग करें और उन लोगों को जो हु हैव लॉस्ट देयर हाउसेस, देयर फैमिलीज, एंड आप समझें कि पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे शहर वाइप आउट हो गए हैं. तो सिचुएशन देयर इज़ वेरी वेरी डायर राइट नाउ. तो उसके लिए आए हैं यहाँ पे, और आई एक्सपेक्ट के लोग जो है यहाँ इस फंड रेजर में अपना प्रॉपर सपोर्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह. जी, थैंक यू सो मच. अब इनसे बात करते हैं जो हमारे एक और चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर आज के इवेंट में. चैरिटी इवेंट है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन्हीं की फाउंडेशन से, इन्हीं की ज़बानी बात करते हैं इनसे कि जो ये इतना अच्छा एक काम कर रहे हैं. तो इनसे पूछते हैं कि आज का जो इवेंट है वो क्या इवेंट है, और जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? थैंक यू वेरी मच. आज हम यहाँ पे आए हैं मिसिसागा में, और ये एक्चुअली इवेंट हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जो फ्लड डिज़ास्टर आया है पाकिस्तान के अंदर वेरी रिसेंटली. इनफैक्ट मैंने तो जाके देखा भी है, आई जस्ट केम टू डेज बिफोर फ्रॉम पाकिस्तान. या तो हमारे कैंप सेट कर रहे थे वहाँ पे, हमारे तीन जगह पे कैंप हैं, हैदराबाद में है, टेंडोला यार में है और बलूचिस्तान में है. और इन जगहों पे मैं खुद विज़िट करके आ रहा हूँ, और जो डिवेस्टेटिंग सिचुएशन मैंने देखी है, अलार्मिंग सिचुएशन लोगों की, और जिस कंडीशन में लोग सफ़र कर रहे हैं, और खाना तो है ही अपनी जगह पे, खाना या शेल्टर तो है नहीं उनके पास, पानी साफ़ पीने का नहीं है उनके पास, और फिर जो पानी वो बारिश का इकट्ठा हुआ है, फ्लड का पानी, उसमें अभी ये है कि उनके घर भी बह गए हैं, और उनकी जो बिलोंगिंग थी सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और ना सर पे छत है, ना नीचे ज़मीन है. कुछ लोग अभी स्टिल पानी के अंदर कश्तियों में रह रहे हैं. तो वो सिचुएशन देख के हम लोगों ने सोचा कि अभी सबसे पहले जो है ये फ्लड रिलीफ का प्रोग्राम किया जाए, और उसके लिए डोनेशन जो है लोगों से रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी डिमांड है वहाँ पे. और बेशक लोगों ने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ंड दिए होंगे, लेकिन हम इस ख़ास पर्पज़ के लिए आए हैं कि फ़ंड जो है ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन को दिए जाए, ताकि ह्यूमन नेसेसिटी जो है उन इफेक्टिव तक पहुंच सके जो कि स्टिल वेटिंग फॉर हेल्प, और बेचारे बैठे हैं आँखें खोल के स्काई की तरफ के आसमान से कैसे हेल्प उन तक पहुँचेगी. तो वी आर देयर टू हेल्प दैम इंशाल्लाह. तो जो जैसे हेल्प करना चाहते हैं तो किस तरह से रابطہ कर सकते हैं आपसे, कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है यहाँ कनाडा की है, hnfca.org. अगेन आवर वेबसाइट hnfca.org, आप उस पर जा सकते हैं. या हमारी USA की भी जो है अपना वेबसाइट है humannecessityfoundation.com, उस पर जाएँ. और ज़ेल के ज़रिए से ज़्यादा द बेस्ट वे टू सेंड द मनी इमीडिएटली इज ज़ेल. तो ज़ेल का हमारा एड्रेस है info.hnfi@gmail.com. तो वो पैसे इमीडिएटली हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आ जाते हैं, और हम उसको इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं और उन फैक्ट्री तक पहुंचा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर, आप जो कार्य खैर का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जो आपकी काविश है उसको कबूल करे. और जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं, यही रिक्वेस्ट होगी कि सारे लोग आजकल यही सोच रहे हैं कि फ्लड की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम जो अपने फ़ंड्स दे रहे हैं क्या सही लोगों को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. तो काफ़ी जो कन्फ्यूज़ लोग हैं वो प्लीज़ इस बारे में सोचें कि इनकी फाउंडेशन है जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, प्लीज़ इनसे रابطہ करें. और यहाँ पर अगर आप कनाडा में रابطہ करना चाहते हैं, इस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं मेरे साथ, वेलकम करती हूँ मिस्टर वज़ीर को. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच.
हमें इनवाइट करने के लिए और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम जो है अपने व्यूअर्स को हम एड्रेस कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स और जो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ्लड की वजह से जो प्रॉब्लम्स लोगों को हैं वो हम लोगों तक पहुँचा सकें और लोग जो हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस कार खैर के अंदर हमारा साथ दें और ताकि हम वहाँ तक पहुँच कर कैप्टन साहब वहाँ पर ख़ुद होके अभी आए हैं और इंशाल्लाह फिर वापस जाएंगे और ये सब अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं वहाँ पर और माशाल्लाह वहाँ पर तैमूर भी हैं और जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं ओवरलुक कर रहे हैं सब चीज़ें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यहाँ पर हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं लोग, लेकिन जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा हम हेल्प कर सकेंगे वहाँ लोगों की। Thank you so much, sir. Thank you so much, Mr. Taimur, Mr. Sheikh. Thank you so much, all of you. You're watching N6. Keep watching N6. We'll come back with another show.